अग्रकेंट जीआरपी और आरपीएफ पुलिस को इस वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी, जब आरपीएफ पुलिस और जीआरपी पुलिस अधिकारियों के आदेशानुसार आगरा रेलवे प्लेटफॉर्म पर चेकिंग की जा रही थी, उसी समय तीन गांजा तस्कर जो कि उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद, जिला अमरोहा, जिला आगरा के रहने वाले हैं, उनके पास से 24 किलो गांजा जिसकी कीमत लगभग 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है, विशाखापट्टनम से आगरा आ रहे थे। गांजे की तस्करी दिल्ली में होनी थी। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतरकर शातिर गांजा तस्कर गांजा लेकर बस के द्वारा दिल्ली में गांजे की तस्करी होनी थी, उसी समय चेकिंग के दौरान पुलिस ने तीनों गांजा तस्करों को धर दबोचा। आपराधिक इतिहास खंगालने के बाद आगरा कैंट जीआरपी पुलिस सलाखों के पीछे तीनों शातिर गांजा तस्करों को जेल भेजने में जुट गई है। संवाददाता अर्पित रजावत। गांजे के संबंध में शपथ कर रहा हूँ कि तीन अभियुक्त पकड़े गए हैं आज एपी एक्सप्रेस के समय। ये एपी एक्सप्रेस से उतरे थे, चेकिंग के दौरान हमारी सर्वांश की टीम थी, जीआरपी की टीम थी, आरपीएफ की टीम थी, तीनों का संयुक्त ऑपरेशन था। तीनों अभियुक्त पकड़े गए हैं एपी एक्सप्रेस से, ये विशाखापट्टनम से बैठे थे, कैंट में चेकिंग के दौरान पकड़े गए। करीब 24 किलो बरामद हुआ है इनके पास गांजा, जिसकी कीमत करीब 2.5 लाख कीमत। कहाँ ले जा रहे थे सर ये? लेके निजामुद्दीन दिल्ली लेके जा रहे थे, क्योंकि वहाँ भी चेकिंग होती है, तो उन्होंने सोचा कि कैंट पे उतर लें, यहाँ से हम बाई रोड जाएंगे। चेकिंग के दौरान पकड़े गए। कहाँ ले जा रहे थे